शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहेंगे, इसी घर में आपके साथ। रानी, मैं तुम्हारे साथ बंधन तोड़ना नहीं चाहता। तुमसे अलग होके मैं जी नहीं पाऊंगा। सीपी में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, चंदन की खुशबू बसी है सांसों में। वो रहने वाली महलों की, रहने वाली महलों की। हिरनी सी चंचल है, कितनी सी कोमल है, सोने के पंखों से आकाशों में। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली मिस मुनीर के पर्स में हमने मेंढक रख दिया था। That was so wrong, जी जी, इन लोगों ने बहुत गलत हरकत ली थी। चलो आज ग्रुप सो फेमस। लेकिन वो हरकत एक्जेक्टली ठीक है इसकी? I'm sure आप की थी। नहीं नहीं नहीं, I wasn't doing that. Hello. Hello शालो जी जी, मैं कोमल बोल रही हूँ। Hi कोमल, how are you? वैसे मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। हाउस वार्मिंग पार्टी में आई नहीं ना तुम? सॉरी जी जी, वो क्या है ना, इनकी मासी आई हुई है अमेरिका से, इसलिए मम्मी जी ने कहा कि। हाँ हाँ, मम्मी जी कहें और कोमल और धीरज बाबू ना माने, ऐसा हो सकता है? जी जी। अच्छा जी जी, रानी आई हुई है? हाँ, कुछ दिनों के लिए मैं उसे अपने पास ले आई हूँ। तो बात करवाइए ना, बहुत दिन हो गए उससे बात किए हुए। कोमल, रानी कहीं नजर नहीं आ रही है क्या? जी जी, देखिए ना, वही कहीं होगी। कोमल, इतना बड़ा घर है, देखने में भी तो टाइम लगता है ना। मैं ऐसा करती हूँ, रानी से बोलूंगी कि वो तुम्हें खुद फोन कर ले, ठीक है? बाय जी जी। बाय। मधु बेटा, स्कूल नहीं गई तू? नहीं, आज हाफ डे ले आए। क्यों, कहीं बाहर जाना? माँ, आज अमित और मैं रानी से मिलने गए थे शालिनी के घर। क्यों, क्या जरूरत थी तुम लोगों को? माँ, मैंने तुम्हारी और राज की बातें सुन ली थी। बात डिवोर्स पेपर साइन करने तक पहुंच गई है और आपने मुझे बताया तक नहीं। आपने राज और रानी को समझाने की कोशिश की। देख मधु, समझाया उसे जाता है जो समझने की कोशिश करे, जो चाहता हो समझना। और मेरा बच्चा, मेरा राज तो तलाक चाहता ही नहीं है, वो तो उस रानी को ही चाहिए तलाक। माँ, वो ऐसा क्यों चाहेगी? उस बेचारी ने तो हमेशा इस घर में, हमारे इस माहौल में एडजस्ट करने की पूरी कोशिश की है। अरे क्यों नहीं करती वो एडजस्ट? उसका बाप लुटपिट जो गया था, और फिर रानी साहिबा के पास तो कोई चारा ही नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो हमारे साथ एडजस्ट करती। और जब से वो नकचड़ी पैसे वाली शालिनी आई थी, रानी के तो तेवर ही नहीं मिल रहे थे। कमाल हो गया, बस यूं ही उठा के तलाक के पेपर भेज दिए। चारा मेरा राज,
तूने चेहरा देखा है राज का आजकल? इतना सा चेहरा हो गया मेरे बच्चे का। अरे चुप क्यों हो गई? इसे बता सब कुछ, इसके सामने कुछ भी बात छुपी नहीं है, ये बेचारा सब कुछ जानता है। बता इसे कि तू शालिनी के घर गई थी तो रानी से क्या बात हुई? उसने बताया नहीं तुझे कि तलाक क्यों चाहती है वो? बता इसको। मिली होती तो बात होती ना। हाय हाय, तो क्या तुम दोनों से मिली तक नहीं हो? नहीं माँ, शालिनी ने हमें गेट पर आकर ही कह दिया कि रानी हमसे नहीं मिलना चाहती, और इतना ही कहा कि जल्दी से जल्दी राज से डिवोर्स के पेपर साइन करवा दे और भेज दे। शालिनी के घर गई थी तो रानी से क्या बात हुई? उसने बताया नहीं तुझे कि तलाक क्यों चाहती है वो? बता इसको। मिली होती तो बात होती ना। सर, ये फाइल मिस्टर कुलकर्णी ने भेजी है और कहा है अभी देख लो। ठीक है। नहीं माँ, शालिनी ने हमें गेट पर आकर ही कह दिया कि रानी हमसे नहीं मिलना चाहती, और इतना ही कहा कि जल्दी से जल्दी राज से डिवोर्स के पेपर साइन करवा दे और भेज दे। इतने दिन हो गए, अब तक तो राज को आ जाना चाहिए था। आ गए होंगे। राज के मोबाइल पर फोन लगाते हैं। हेलो राज। यस सर। जरा मेरी केबिन में आना। आता हूँ सर। आज रात को करण के साथ डिनर का प्लान बनाया है गोल्डन हेरिटेज में। रानी को भी तैयार रखना प्लीज। हाँ, थोड़ा नानू तो करेगी लेकिन उसे जाना तो पड़ेगा ही। हलीम। जी मैं राज बोल रहा हूँ। चीची। राज का फोन है। चीची, हाँ वो, हाँ रानी बताओ, कुछ चाहिए क्या? वो कुछ जरूरत है क्या? हेलो, या बोलो, मैं पुनीत अग्रवाल बोल रहा हूँ। जिस नंबर से मेरे मोबाइल पर फ़ोन आया था, शायद रानी ने। रानी? रानी तुम्हें क्यों फ़ोन करेगी? इनफैक्ट मैंने तुम्हें फ़ोन किया था, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। सो तुम डिवोर्स पेपर साइन करके कब भेजने वाले हो? मैं साइन करने से पहले रानी से मिलना चाहता हूँ। क्यों? तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा कि रानी अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं बिताना चाहती?
Okay, fine. Suit yourself. अगर तुम खुद उससे मिलकर उसकी मुंह जुबानी सुनना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. आज रात को 10 बजे गोल्डन हेरिटेज आ जाना. सारी बातें साफ हो जाएंगी. लेकिन प्लीज देयर इज अ रिक्वेस्ट, वहां कोई तमाशा मत करना प्लीज. यू नो मैं नहीं चाहता कि रानी का मूड खराब हो. वेल, रात के 10 बजे गोल्डन हेरिटेज. ये वेलकम. कितने दिनों बाद यहाँ पर आए ना करण. तुम्हें पता है ये जगह हम सब बहनों की फेवरेट प्लेस हुआ करती थी, स्पेशली रानी. रियली? पुनीत, जब तक ऑर्डर नहीं आता है हम ऐसा करें यहाँ का बैंक्वेट हॉल देख ले हमारी एनिवर्सरी पार्टी के लिए. हाँ, actually that's a very good idea. Guys, just excuse us for a while. By the way, Rani, तुमने आज तक मुझसे वो सवाल क्यों नहीं किया जो हर लड़की हमेशा पूछती है? कौन सा सवाल? यही कि मैं शादी कब कर रहा हूँ. आपकी शादी कब होने वाली है? Oh my God, तुम लड़कियों को शादी की इतनी जल्दी क्यों रहती? तुम्हें पता है जब भी मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ या तो उसकी शादी हो जाती है या फिर वो ऑलरेडी शादीशुदा होती है. How sad. You know what? कुछ ही दिन पहले मैं एक लड़की से मिला और उसे देखते ही मुझे लगा कि she is the one. You know, love at first sight. फिर मैं उसके पास गया और मैंने उससे कहा You are my dream girl. मेरी जिंदगी में आ जाओ. मैं तुम्हें अपनी दिल की रानी बनाकर रखूंगा. और फिर उसने क्या कहा? उसने कहा कि तुम्हारी दिल की रानी बनने के लिए मुझे अपने हस्बैंड की परमिशन लेनी पड़ेगी. नहीं चल. खैर, रानी से मिलना है हम. तुम अरे तुम उससे मिलना चाहते हो तो यहां क्यों खड़े हो? वहां के मिलो. कुछ कहना चाहते थे ना तुम उससे? या फिर ये सब देखने के बाद तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब कहने को तो कुछ बचा ही नहीं? मैं तो कहता हूं कि अच्छा हुआ तुम यहां पर खुद ही आ गए. जो कुछ भी है अपने आंखों से देख लिया, वरना पता नहीं तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास होता या नहीं होता. देखो राज, हमारी रानी ने हमेशा एक अच्छी जिंदगी बिताई.
I mean, she's used to good things in life. हमारी रानी महलों में पली है, पूरी जिंदगी एक चौल में कैसे? Anyways, इन सब बातों को छोड़ो, वो तो हमारी रानी की किस्मत ही खराब थी, जो तुम उसकी जिंदगी में कुछ दिनों के लिए आ गए। शायद हमारे पापा से भी थोड़ी गलती हो गई, लेकिन एक गलती को जिंदगी भर निभाने की गलती अब हमारी रानी कभी नहीं करेगी, और ना ही हम लोगों से वो गलती करने देंगे। इसलिए प्लीज तुम जितनी जल्दी हो सके जब उस पेपर साइन कर दो। Let's finish the magic. Yeah, absolutely. अब देर करने का क्या फायदा? Come, Shani. Let's go. हमारी रानी ने हमेशा एक अच्छी जिंदगी बिताई। हमारी रानी महलों में पली है। पूरी जिंदगी चौल में कैसे? वो तो हमारी रानी की किस्मत ही खराब थी, जो तो उसकी जिंदगी में कुछ दिन के लिए आ गए, लेकिन एक गलती को जिंदगी की हर निभाने की गलती अब हमारी रानी कभी नहीं करेगी। बिखरे सभी सपने रूठे मेरे अपने, ऐ जिंदगी तूने ये क्या किया, टूटा है मन दर्पण, कैसी है ये उलझन, तकदीर में जाने है क्या लिखा। तुमने कुछ कहा ही नहीं, मुझसे कुछ सुना भी नहीं, दिल का अरमा दिल में रह गया। इतने हम दूर कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला, दिल को कुछ पता ही ना चला। हर पल तड़पता हूँ और आह भरता हूँ, मुझे प्यार का ये क्या का रुक ना जाए सिलसिला। राज दिल का रानी खोलो, जुर्म क्या है मेरा बोलो, क्यों मिली है मुझको ये सजा। इतने हम दूर कैसे हो गए, दिल को कुछ पता ही ना चला, दिल को कुछ पता ही ना चला।